विदिशा जिले की ग्राम पंचायत बड़ोक की गौशाला में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसके बाद खुरई और कुरवई की फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सचिव गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि दोपहर 12 बजे के लगभग गौशाला के चौकीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट से गौशाला में भूसे की गोदाम और बाउंड्री के अंदर रखे चारे में आग लग गई। जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। लगभग 1 घंटे में खुरई एवं कुरवाई से फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक काफी मात्रा में आग बढ़ गई थी। फायर ब्रिगेड के पानी खत्म होने के बाद नागरिकों ने अपने कुआं से मोटर के माध्यम से फायर ब्रिगेड तक पाइपलाइन डालकर पानी उपलब्ध कराया। वही जानकारी लगते ही तहसीलदार अभिषेक पांडे घटना स्थल पर पहुंचे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।